नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर काफी नियंत्रण कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ अब अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वालों को लेकर बेहद गंभीर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि 3% पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वालों अपनी निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेनी होगी। साथ ही इनमें जहाज के साथ ट्रेन तथा सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वालों पर सख्ती भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने ये निर्देश दिया है कि सिर्फ 4 दिन पहले ही कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब प्रवेश मिलेगा। 4 दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। वह इनके अलावा टीकाकरण की दोनों डोज ले चुके लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर जांच की जरूरत नहीं होगी। इनको अपनी दोनों डोज की रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इसको लेकर एयरपोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन और उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से सड़क मार्ग से जोड़ने वाले बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। हाई कोविड पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वालों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। तो जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक तरफ लोग सख्त हैं, वहीं कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो लोग उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से आएंगे उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपनी दिखानी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त निर्देश है कि सिर्फ 4 दिन पहले की ही रिपोर्ट कोरोना निगेटिव जांच की दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ 4 दिन से अधिक अगर पुरानी रिपोर्ट हो जाती है तो वो मान्य नहीं होगी। इसके अलावा टीकाकरण की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर जांच की जरूरत नहीं होगी। इनको अपनी दोनों डोज की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन और अन्य राज्यों से सड़क मार्ग से जोड़ने वाले बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। हाई कोविड पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वालों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी अब की जाएगी। रुक करते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता फिसलती देख भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक माह में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में बैठकें भी हुई हैं। इनका एजेंडा ऐसी रणनीति बनाना है ताकि किसानों और बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को भुलाया जा सके। लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 4.5 साल की सरकार में भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हवाई वादों और कागजी सफलताओं के प्रचार से जनता उब चुकी है। भाजपा का मार्त संगठन इन हालात से चिंतित है और चिंतन मनन में भी जुटा हुआ है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाजपा ने जो भी वादे किए थे वे सब धूल चाट रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र दिया है। चुनाव तक 24 घंटे काम करने का लक्ष्य तय करने और साथ मिलकर मजबूती से आगे बढ़ने का आह्वान किया। अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के इरादे से राजधानी लखनऊ के दौरे पर आई प्रियंका ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग आज से 24 घंटे काम करने का लक्ष्य निर्धारित करें, ना रुके और ना ही डरे। प्रियंका गांधी ने के यूपी दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी बयान दिया है। आइए सुनते हैं अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा है। ये दौरा नहीं था, उनका यहाँ रहना है और उत्तर प्रदेश के सभी बुनियादी समस्याओं को लेकर रोज आंदोलित है, सड़कों पर है, जनता की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, बेरोजगार नौजवानों की आवाज है, किसानों की आवाज है और निरंतर उत्तर प्रदेश में वो बनी है और बनी रहेंगी। दिनेश शर्मा जी उसी अंदाज के नेता, इसलिए दूसरों पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, पहले खुद देखें। वहीं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने इसी के साथ महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एमेंडमेंट बिल किसानों के साथ एक धोखा है। सरकार ने कहा है कि किसानों से ये बिल नहीं लाने का वादा किया था। सरकार इस बिल के जरिए पूरे देश की बिजली निजी कंपनियों को देकर बिजली के दाम महंगे करना चाहती है। आप भी सुनिए संजय सिंह का ये बयान। आज मानसून सत्र की शुरुआत से पहले
सरकार की सभी दलों के साथ बैठक हुई और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीतिक दलों ने उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था किसानों का। किसान जो पिछले 8 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन है। यह आप देखेंगे 27वें नंबर पे इस बिल में लिस्ट किया गया है, जो बिल्स की सूची है उसमें। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसके बारे में सरकार ने किसानों के साथ बातचीत में ये स्वीकार किया था कि हम इस बिल को नहीं लाएंगे, किसानों के साथ धोखा करते हुए। वहीं अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में अवैध असलहों के साथ कुछ युवक दिखाई दिए। फिल्मी स्टाइल में करीब 7 युवक असलहों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। अवैध असलहों के साथ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बुलंदशहर में सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी गांव में सड़कों का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान एक विकलांग अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के पास पहुंचा। विकलांग भीड़ में अपनी समस्या को लेकर चिल्लाता रहा, लेकिन विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने विकलांग की समस्या नहीं सुनी। विकलांग का कहना है कि उसके परिवार में कोई नहीं है और उसकी टांगे रेल से कट गई। सिर्फ 500 रुपए महीना पेंशन मिल रही है और गांव के प्रधान के द्वारा उसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। मजबूरन पीड़ित विकलांग को इस समय भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कोरोना की वजह से इस बार भी पिछली बार की तरह ही त्योहारों को घरों में मनाने के लिए कहा जा रहा है। मैनपुरी में भी बकरीद के त्योहार को लोग अपने अपने घरों में मनाने का सोच रहे हैं। इसी कड़ी में SDM अनिल कुमार कटियार और थाना अध्यक्ष पहलवान सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी का आयोजन किया गया। सभी से अपील भी की गई कि कुर्बानी खुले में ना करें, साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति को देखते हुए प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं। घाट इलाके में भी नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि नदियों को पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसी तरह से वाहन चालक तेज बहाव में फंस गया। गनीमत रही कि ग्रामीणों की मदद से वाहन चालक का रेस्क्यू कर लिया गया है और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गाँव से संपर्क टूट गया है, पर मुख्य इलाकों में अधिकारी जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतापुर में विकास खंड मिश्रिक में शौचालय निर्माण से जुड़ा एक अजीब मामला सामने आया है। यहां सरकारी कागजों में शौचालय बनने में मृतकों के नाम को दर्ज किया जा रहा है और लाखों रुपए सरकारी धनराशि का गबन किया जा रहा है। इस पूरे मामले को तहसील समाधान दिवस पर ग्रामीणों ने अधिकारियों से बताया। लोगों का आरोप है कि प्रधान और पंचायत सचिव की वजह से ये गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है और सरकारी पैसों का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने DM को शिकायती पत्र सौंपते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं सोनभद्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ टीमों का गठन भी किया गया था और इसी टीम ने 2 अभियुक्तों के साथ 3 क्विंटल 19 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ SP ने सफल होने वाली पुलिस की टीम को 25,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। वहीं शाहजहांपुर में दिल्ली से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे चाय के होटल पर चढ़ गई। हादसे में होटल पर चाय पी रहे 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की वजह ड्राइवर को अचानक नींद आना बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
आज सुबह तकरीबन 7:45 बजे थाना तिलहर क्षेत्र में एक बस जो दिल्ली से शाहजहाँपुर की तरफ आ रही थी, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज के सामने अनियंत्रित हो गई और सामने रखे हुए 2-3 खोखों में ठोकर मारते हुए सामने पेड़ से जाकर टकरा गई। इसमें 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हुई है। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने मरीजों पहाड़ों में होने वाली बारिश सहारनपुर के घाट क्षेत्र में आफत का सबब बन रही है। शिवलिक पहाड़ियों में हुई भारी बारिश से घाट क्षेत्र की बरसाती नदियों में उफान आ गया है। इसी के चलते सिद्धपीठ में मां शाकुंभरी देवी दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शाकुंभरी नदी में बाढ़ आने से सैकड़ों श्रद्धालु बाबा भूरादेव मंदिर पर घंटों फंसे रहे। हालांकि इस बीच कुछ श्रद्धालु जान हथेली पर रखकर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दरबार में माथा टेकने भी पहुंचे। शाकुंभरी देवी मंदिर व्यवस्थापक आदित्य राणा और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। मंदिर व्यवस्थापक आदित्य राणा ने अपील करते हुए कहा है कि सभी श्रद्धालु अपनी जान की सुरक्षा करते हुए देवी के दर्शन करें और नदी में बाढ़ आने पर पानी कम होने का इंतजार करें। करनाल जाए, पानी इतना तेज है और आप जो है कब से आए हुए? तो मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, जो है दर्शन करने जरूरी है, बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है। दर्शन के लिए आए हैं। वही मैनपुरी के ओशा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी मिली है कि दुष्कर्म करने वाला आरोपी महिला का देवर लगता है और शादी का झांसा देते हुए आरोपी ने महिला से शारीरिक संबंध भी बनाया। पीड़िता ने आरोपी के बारे में पहले भी गांव के प्रधान से शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घटना के बाद पीड़िता अब न्याय पाने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को दर्ज नहीं किया है। एक महीना हो गया मेरे को है ना चक्कर लगाते लगाते। पहले मैं पंचायत ले गया, प्रधान ले गया, चाचा प्रधान ले गया, पंचायत नज़र बैठे की उनकी, उन्हें शादी का टाइम भी दे दिया। दो साल ऐसे ही बिता दिए। बहन को का लड़के के पिताजी ने कह दिया, कहता हम अपने घर पे रखेंगे, बहू नहीं जाने देंगे घर से, मेरे छोटे वाले लड़के के साथ रहेगी। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कि अब शादी कर लो और है ना ऐसे मत रखो। तो टाइम भी दे दिया उनने, नज़र बैठे हमने कर दी सब कुछ हैं, 10-15 आदमियों को बीच में, प्रधान के बीच में। उसके बाद जब 2 दिन रहे। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में 9 महीने की बच्ची से हैवानियत हुई। गांव के ही युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया। इस घटना से गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी के 3 रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।